माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल 27 दिसंबर 2022 को मयूरभंज में एक नेशनल एसएसटी हब कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य वहाँ के एसएसटी उद्यमियों को नेशनल एसएसटी हब स्कीम के बारे में जानकारी मिले। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री भारू प्रताप सिंह वर्मा जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस के हैं, वो अध्यक्षता करेंगे, और श्री जी सी मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो मुख्य अतिथि होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के सेक्रेटरी और कई डिग्निटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस आयोजन में हम लोगों ने कई सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज को बुलाया है, जो उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। कई बैंक्स को हम लोगों ने बुलाया जो एसएसटी उद्यमियों को किस तरह के लोन मिल सकते हैं उसकी जानकारी देंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के साइंटिस्ट और आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट को भी बुलाया, जो कि रूरल डेवलप एरिया में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह के उद्यम स्थापित कर सकें उसका डेमोस्ट्रेशन भी रहेगा। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मयूरभंज और सराउंडिंग एरिया के करीब 500 उद्यमियों को हम लोगों ने बुलाया है, जिससे उनकी इस योजना के बारे में जानकारी बढ़े और आगे से आगे बढ़कर उसका लाभ उठाए। सर, वो प्रोग्राम कितने दिन तक चलेगा? ये प्रोग्राम एक दिन का है, सुबह 10 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या आप रखा आप? इस कार्यक्रम में मेनली जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बारे में लोगों को पता चले, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अधीन 4% की खरीदारी की जानी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं वो वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो उसकी जानकारी दी जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, महानदी कोल फील्ड, ये पीएसयू जाएंगे। हम लोग वहाँ पर बैंक्स को भी बुलाएं, जैसे एसएसटी उद्यमियों को किस तरह के बैंक से लोन मिल सकते हैं। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य संकल्प और संघर्ष।